अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये ना मैंने पहले ट्यूटोरियल जो था मट का रेडी कर लिया था, तो एक कप रहता था। मैंने सोचा मैं ये रेड क्वीन स्मार्ट में डाल देती हूँ बना के इसका, फिर ओवरऑल जो मैंने टेक्सचर रेडी करके रखा हुआ है मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये है जी प्योर मट जो मैंने रिसेंटली न्यू प्रिपेयर की है, प्रिपेयर किया। तो वो ना थोड़ी सी पेस्ट इतने दिनों की रखने के बावजूद ये पेस्ट है, तो मैंने कहा कि मैं इसको निकाल के अब किसी और शेप में ट्रांसफ़र कर देती हूँ बजाय इसके अंदर ही रहने से। ये ना अजीब सी ड्राई नहीं होनी और क्रैक पड़ जाने इसको ड्राई होने से, तो मैंने इसको निकाल के डिफरेंट शेप्स जो मैंने अपने पास रखी है उसमें रखते हैं निकाल के, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ निकालते साथ साथ, ठीक है? तो मेरे पास जो जो शेप्स स्टेप अवेलेबल है मैंने इन सबको यूज़ में लेकर आई हूँ। मैं चाह रही हूँ कि हर टेक्सचर में से हर शेप में मैं ऐड कर दूँ उसको, और फिर जब वो मिनी बार्ज शेप्स है मेरे पास तो उसको उसमें ऐड करते हैं इस टेक्सचर को, ठीक है? तो मैं ये माइक को करीब कर लेती हूँ और ये देखें, ये हमारा मड है। इसमें हम क्या करते हैं, एक मिनट ज़रा, इसको हम निकालते हैं अपने सांचों में जो हमारे पास अवेलेबल है। पहले हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे, क्योंकि ये ना क्रैक ना बन जाए जब हम किसी सांचों में इसको फोल्ड करें, ठीक है? इसको हम अच्छे से मेरा पहला भी मैंने जो टब रेडी किया है वो मेरा जो है क्वीन ऑफ नॉर्थ है, वहाँ पर मैं आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं उसकी। लेकिन फ़िलहाल मैं ना जो रेड क्वीन स्मार्ट पर डाल रही हूँ उसके लिए मैंने कहा दूसरा टब जो है ना वो रेडी कर लेती हूँ, ताकि आप लोग जो चीटें पड़ जाती हैं मेरे। दिस इज़ प्योर माइंड माई न्यू टेक्सचर, ठीक है? मेरा पहला जो प्योर मट का टेक्सचर था वो थोड़ा कम था, इसलिए मैंने मज़ीद रेडी किया है। तो मज़ा आया आप लोगों को देखने का वीडियो में कि आप लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी देखना इंजॉय करना शुरू करते हो टेक्सचर ख़त्म, मुझे खुद भी मज़ा नहीं आता। मैं चाहती हूँ ज़्यादा सारा टेक्सचर हो, ज़्यादा सारी डिपिंग हो, ज़्यादा सारी ड्राई क्रमलिंग हो, ताकि आप लोग को भी इस टेक्सचर को देखने का मज़ा आए। इसके मैंने बड़ी ही यकीन करें ये टेक्सचर बनाना आसान नहीं है, इसको बनाने में इतनी एफर्ट लगती है, इतना टाइम टेकिंग ये टेक्सचर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हम इसके अंदर जितने भी मड है सही है, इसी तरह से हम ना इसके अंदर सारा टेक्सचर जो है अपना पोर कर देंगे, ताकि आसान हो रही फिर मिलते हैं एक मिनट। अच्छा ये देखेंगे, मैंने ना मड जो है साड़ी जो आपके सामने निकाली कह रही हूँ पेस्ट बनाया जिसको, उसको मैंने रेडी कर ली है। मस्त डैडी क्या करना है, पर हाँ ये इसी तरह से हमने शेप्स लेकर पोर करते जाना इसके अंदर, ताकि आप लोगों ने सही हो गया। इसी तरह से ना ये मैंने इसलिए इसको पेस्ट बनाया था कि क्रैक्स ना पड़े टेक्सचर में, ठीक है? इसी तरह से जब मैं सारी रेडी कर लूँगी ना फिर मैं आपको एक दफ़ा ही दिखाऊँगी मिनी बार्स हैं ये। इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट वीडियो जब आएगी ड्राई होके तब आपको देखने का मज़ा आएगा। ये फर्स्ट टाइम जो मैंने पोरिंग की थी इसकी प्योर मड की और मैं चैनल, तो उस टेक्सचर के बाद पोरिंग के बाद मैंने इसको जो रेडी किया ना वो प्रोसीजर बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसीजर था। मैं थक गई थी यकीन करें, मेरे पास क्या कहते हैं इतना मेरे हाथ बाजू टायर्ड हो गए थे इस लिक्विड को सेपरेट करने के चक्कर में, कहते कि कब इसके अंदर सैंड ख़त्म होगी,
क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैंड थी, गंद था बहुत ज़्यादा, लकड़ी के टुकड़े और पता नहीं क्या क्या गंद मंद था। तो मैंने फिर इसको बड़े ही मुश्किल से सारा सेट किया था। खैर अब ये जितने भी शेप्स आप इसके अंदर रख दें जो आपके यूज़ में नहीं है, स्पेशली उस शेप को यूज़ में लाएं, जैसे मिनी शेप्स हैं, कोई भी शेप है, मर्ड वाले शेप्स जो है ना बहुत क्यूट लगती है ऐसी मिनी शेप्स में भी, ठीक है। जिन्होंने भी मर्ड टेक्सचर रेड किया हुआ है ना उनको पता है, ये मैंने पहले रेड क्वीन प्योर ये मैंने अपने क्वीनो ब्लॉग में बताया था उनको सब्सक्राइबर्स को कि आप किस तरह से अपने मर्ड वाले टेक्सचर को यूज़ कर सकते हो बजाय हमेशा चंक बनाने के, और सब ने इस्तेमाल भी किया ये तरीका। बॉल्स बना सकते हो जिस तरह मर्जी चाहे आप इस टेक्सचर को यूज़ कर सकते हो, सिर्फ एक ही तरीके से नहीं आप इसको इस्तेमाल कर सकते। ये देखें ये है मून शेप, मेरे 300 सब्सक्राइबर रह गए। अच्छा तो मैं कह रही थी मेरे 300 सब्सक्राइबर रह गए माशाल्लाह से 5K होने में, तो माशाल्लाह से आप सबकी सपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 5K होने वाले हैं, बस जस्ट 300 सब्सक्राइबर रह गए हैं। और जिन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है मैं माशाल्लाह पाक सबको बहुत ज़्यादा सेहत याबी और तंदुरुस्ती और कामयाबी अता फरमाए उनकी ज़िंदगी में, और वो जैसी ख्वाहिशात रखते हैं नेक तमन्नाएं कबूल अता फरमाए, सबके लिए मेरे दिल से दुआएं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं इतना प्यार देते हैं। तो ये मेरे दिल से दुआएं आप सबके लिए। और अब जो मेरा ये टेक्सचर रह गया ना ये थोड़ा सा ही रह गया, इसको हम किसी शेप में पोर देते हैं, ठीक है जल्दी से पोर करते हैं। और ये जो है ना जो सैंड है वो निकाल देते हैं, चले अब हम इस पर पोर कर देते हैं, इसको निकालते निकालते इसमें टाइम लग जाना, चले इसको किसी तरीके से निकालते हैं। माइक को यूं रखते हैं, ये देखिए ये हो गया। ये देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी, शेट मेरी शेप टूट गई है, ये देखिए इसको हम छोड़ देंगे वैसे ही। तो बाकी जो इसमें टेक्सचर में लिक्विड है ना वो इसमें हम डाल देते हैं पानी ताकि ये पूरा कम्प्लीटली सारा बाहर आ जाए। चलो नजर आ रहा है आपको इसी तरह से मैंने जी सारी शेप्स रेडी कर ली है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, और ये जो कचोले हैं ये मैं बाद में मार लूँगी, ठीक है। जितने भी मर्ड है उसको हम निकाल लेंगे, जो सीमर जिसे जमा हो उसको छोड़ देंगे, हमने नहीं ऐड करना अंदर। चले मैं आपको एक बार शेप दिखा दूँ,
फिर आप देखना, फिर उसके बाद ट्यूटोरियल को एंड करते हैं। और ये था जी प्योर मर्ड का ट्यूटोरियल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मेरे हाथों का हाल चेक करें, मेरे हाथ ठंडे बर्फ हुए हैं इस टाइम। तो मैंने सब शेप्स में जो है जितने भी टेक्सचर्स था लिक्विड, वो मैंने सब शेप्स को फोल्ड कर दिए। एक तो मेरा अभी भी बच्चा हुआ है, उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी, उसके में भी मैं चंक बनाऊँ, बिग चंक्स, ठीक है। तो बस ये था ट्यूटोरियल मेरा आज का, जो मैं आज सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ, ठीक है। मैंने प्योर मार्ट के जो जितनी भी डर्स उनके डिफरेंट ट्यूटोरियल्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर किए हैं शेप्स बनाने के। तो जो मुझसे पूछते हैं ये टेक्सचर कैसे बनाया है, अक्सर आके वाइट डर्ट का, सॉफ्ट डर्ट का जो भी पूछते हैं, उनको मैं बता दूँ ये सब टेक्सचर मैंने खुद बनाए हैं। और इनके ट्यूटोरियल्स जो हैं मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, इनको दोबारा से नहीं मैं अपलोड करूँगी, जिनको भी देखना है वो जितने भी मेरे आप वाइट डर्ट के नेम से रेड क्वीन एसएमआर वाइट डर्ट ट्यूटोरियल, रेड क्वीन एसएमआर प्योर मर्डर ट्यूटोरियल ग्रेट डर्ट ट्यूटोरियल, रेड क्वीन एसएमआर का नाम लिख के साथ में आप ट्यूटोरियल सर्च करेंगे, आपको सब ट्यूटोरियल्स मिले ना जितने भी डर्ट के ना लिस्ट में आ जाएंगे आपके सामने, सही है। तो और आप मुझसे पूछ रहे थे रॉयल सर्वाइवर के ये आप डर्ट कहाँ से लाती हैं, कि मैंने लिक्विड से डर्ट बनाई हुई है, जितने भी टेक्सचर्स हैं उनके लिक्विड्स निकाल के इनकी डर्ट बनाई हुई है, ये मैं कहीं से लेती नहीं, बल्कि कोई टेक्सचर भी मैंने कहीं से नहीं लिया हुआ, ये सब हैंडमेड डॉट मेरे खुद के बने हुए हाथ के टेक्सचर्स हैं। तो और जो इस तरह के कमेंट भी करते हैं आके कि आप ये सेल करेंगी, कितने का सेल करेंगी, ये वगैरह वगैरह, तो ये मैं सेल करने के लिए नहीं बनाती है, ये सब टेक्सचर्स मेरी क्रम्बलिंग के लिए यूज़ होते हैं। और मैं ये यूनिक है और काफ़ी क्या कहते हैं मेहनत से बने हुए हैं, तो हाथ जो हम मेहनत से चीज़ बनाते हैं अपने चैनल के लिए मैं बनाती हूँ, मैं सेल करने के लिए नहीं बनाती है, ठीक है। तो जो भी टेक्सचर आपको नज़र आते हैं, तो मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह ताला जी क्रम्बलिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।